नमस्कार, मैं अर्शिन खान। पिंपरी चिंचवड़ की उद्योग नगरी में मंगलवार की दोपहर को खलबली मच गई है। पिंपरी चिंचवड़ मनपा की सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण जगताप के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इसमें किसी हाथाहाथ या किसी के चोटिल होने की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि वारदात से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। हमलावर 3 की तादाद में बताए जा रहे हैं, जो कि एक बाइक पर सवार होकर आए थे। ये हमला किसने किया और किस वजह से किया, इसका कोई ब्यूरो नहीं मिल सका है। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटेज खंगाल कर हमलावरों की खोजबीन शुरू कर दी है। इस बारे में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिंपले गुरव वैद्य बस्ती में विधायक जगताप के भाई विजय जगताप और शंकर जगताप का चंद्ररंग डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक दफ्तर है। आज दोपहर 3 बजे के करीब जब विधायक जगताप के दोनों भाई और उनका स्टाफ ऑफिस में था, तब एक बाइक पर सवार होकर आए 3 में से 2 हमलावरों ने 2 पेट्रोल बम से ऑफिस पर हमला किया। हमलावरों ने 2 छोटी बोतलों में पेट्रोल भरकर लाया था, जो उन्होंने चलती बाइक से जगताप के दफ्तर पर फेंका। सौभाग्य से इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ है। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। इस वारदात की खबर मिलते ही पिंपरी चिंचवड़ की स्थानीय सांगवी पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच के दस्ते और आला अधिकारी अपनी अपनी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते वैदु बस्ती ने पुलिस छावनी का रूप धारण कर लिया। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर संजय शिंदे, उपायुक्त आनंद भोईटे, सहायक आयुक्त श्रीधर जाधव, सांगवी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील टोनपे ने भी मौके पर पहुंचकर परा जायजा लिया। पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज हासिल कर लिया है। इस फुटेज के जरिए हमलावरों की खोजबीन में पुलिस टीमें रवाना हो गई है। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार 3 हमलावरों ने चलती बाइक से ये पेट्रोल बम हमला किया और यहाँ से भाग निकले। आज दुपारी 3 वाजताच्या सुमारास 3 अनोळखी सम ॲक्टिवा गाडीवरती आले। त्यांनी त्यांच्या हातातील रॉकेलचा बॉटल ज्या पेटलेला होता ते चंद्ररंग कन्स्ट्रक्शनच्या ऑफिसवरती घेतलेले आहे। यामध्ये कोणती जीवितहानी किंवा नुकसान काही झालेलं नाही। यातील 20 मंथचं CCTV फुटेज आम्हाला मिळालेलं आहे। त्या दृष्टीने आम्ही त्यांचा शोध घेत आहोत। येथील त्यांची एक याबद्दल पुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास पोलीस करत आहे। नेमकं जे अज्ञात व्यक्ती आहेत त्यांचा उद्देश हा ऑफिसवरतीच हल्ला करण्याचा होता की इतर काही? प्रथम दर्शनी या ठिकाणी तिथे जोडून दिसते की त्यांनी बॉटल घेतलेलं आहे पेटच्या बॉटल। आणि जर तुम्ही त्याच्यात हे झाला तर समोर असते त्याच्या अंगात धोकादायक होतं। त्या दृष्टीने सगळ्या अँगलने आम्ही तपास करतो।